नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से बच्चे के आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। क्वाइन बेस ने यहाँ पे एक आर्टिकल अपलोड किया जिसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इथेरियम चेन के ऊपर बर्न होने वाला क्वाइन यहाँ पे शिबा इनू क्वाइन है, जिसने यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा बर्निंग जो है वो दिखाई और वो बर्निंग जो है वो वाइटलिक बुटेन के द्वारा की गई थी। अब ये न्यूज आने के बाद सबसे ज्यादा शिबा इनू क्वाइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसी के साथ शिबा इनू क्वाइन सबसे ज्यादा होल्ड होने वाला क्वाइन भी बन चुका है। अगर हम बात करें बर्निंग के बारे में तो कंटिन्यूसली काफी ज्यादा ऐसी ट्रांजेक्शंस भी हो रही हैं जो कि शिबा इनू क्वाइन को बर्न एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर भी किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ यहां पे वेज के द्वारा शिबा इनू क्वाइन को हैवी मैनिपुलेट भी किया जा रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पे जो है वो राइज हो रही है। तो दूसरी तरफ शिबा इनू क्वाइन की ब्लॉकचेन के बारे में भी न्यूज आना स्टार्ट हो चुकी है कि यहाँ पे भैया वैलिडेटर्स जो है वो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं शिबिरम ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, यानी कि शिबिरम ब्लॉकचेन का जो मैन नेट है वो हमें रिलीज होता हुआ नजर आ सकता है। सो भी आपको पता होना चाहिए कि शिबा इनू क्वाइन का जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पे शिबिरम ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शिबा इनू क्वाइन की बर्निंग स्टार्ट होती है, अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शिबा इनू क्वाइन अपने इकोसिस्टम को डेवलप कर लेता है, अगर यहाँ पे शिबा इनू क्वाइन का मेटावर्स प्रोजेक्ट दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस को यहाँ पे गेन करने में कामयाब होता है, तो मैं समझता हूँ कि भैया शिबा इनू क्वाइन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली शिबा इनू क्वाइन से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। उसी के साथ शिबा इनू क्वाइन को आज भी काफी ज्यादा यहाँ पे बर्न भी किया गया, 838 मिलियन क्वाइन यहाँ पे बर्न किए गए। और यहाँ पे अगर हम शिबा इनू क्वाइन के एडॉप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे भैया बर्गर किंग के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है शिबा इनू क्वाइन को, जो कि यहाँ पे पेरिस का रेस्टोरेंट है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एडॉप्शन के द्वारा भी शिबा इनू क्वाइन को काफी ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है और रियल वर्ल्ड के अंदर शिबा इनू क्वाइन काफी ज्यादा यूज भी हो रहा है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो भैया शिबा इनू क्वाइन की और भी एडॉप्शन इंक्रीज होगी क्योंकि ब्लॉकचेन आने के बाद डेफिनेटली भैया क्वाइन का एक यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट लेवल अपडेट हो जाता है और अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर शिबा इनू क्वाइन जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे हैवी बर्निंग भी हो सकती है और ऐसे में ये तमाम चीजें शिबा इनू क्वाइन के लिए एक बहुत बड़ा रूट भी यहाँ पे पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से शिबा इनू क्वाइन के अंदर हैवी बर्निंग और यहाँ पे हैवी ट्रेडिंग इंक्रीज होने की बहुत बड़ी संभावना है। 2024 में होने वाली है बिटकॉइन की हैलविंग, तो भैया क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और ऐसे में अगर यहाँ पे बिटकॉइन एक नया इतिहास रचने में कामयाब होता है तो सबसे ज्यादा मीम क्वाइंस के अंदर प्रॉफिट देने वाला क्वाइन शिबा इनू क्वाइन हो सकता है। इस चीज को याद रखिएगा और डेफिनेटली शिबा इनू क्वाइन के अंदर इतना पावर है कि आने वाले फ्यूचर में एक नया ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर सकता है या फिर 1 INR के आंकड़े को भी टच कर सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है शिबा इनू क्वाइन के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपने कितना शिबा इनू क्वाइन होल्ड करके रखा हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप इसे इंटरेस्टिंग अपडेट शिबा इनू क्वाइन या फिर दिगर किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आने वाली अपडेट के अंदर शिबा इनू क्वाइन को कवर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।